सबसे दमदार, सबसे असरदार। इस कहने को तो नाम ही काफी है रुद्र। जब वो अपना रुद्र रूप धारण करेगी तब ना ही बचेगा चीन का बीजिंग और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ये है और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम। इन दिनों DRDO बहुत सारे परीक्षण कर रहा है जो आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है, और इसकी खास बात यह है कि सारे परीक्षण सफल है। इसका मतलब मिसाइल अपने टारगेट को दागने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि अब भारत का कोई भी दुश्मन भारत के सामने टिकना नामुमकिन है। अगर कुछ हरकत की तो उसके नाम और निशान मिटा देंगे। मिसाइल DRDO द्वारा बनाई गई है और इसका टेस्ट Su-30MKI-500 से किया गया। और इसी के साथ DRDO ने एक बार फिर रचा बड़ा इतिहास। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल तो अभी ट्रायल्स में जारी है, लेकिन जब ये बन के पूरी तरीके से तैयार होगी तब मेरा यकीन मानिए, ना ही टिकेगा चीन का बीजिंग और ना ही टिकेगा पाकिस्तान का इस्लामाबाद। भारत के पहले मिसाइलें जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। पहला अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण, फिर एंटी टैंक रेडिएशन वाली मिसाइल का सफल परीक्षण, फिर ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 400 रेंज वाली, फिर अपनी शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण, और फिर स्मार्ट टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया गया, और अभी हमारे रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण। इसी बात पे कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, और आज मेरा आवाज़ क्लियर था कि नहीं ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।